दोस्तों रिसेंटली टाइम 100 ने अपना मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन ऑफ 2023 का विनर हिंदुस्तान के शाहरुख खान को डिक्लेयर कर दिया है। The legendary star has defeated the likes of Lionel Messi, Prince Harry, Serena Williams, Oscar-winning actor Michelle Yeoh, and Prince Harry, Meghan Markle, Meta CEO Mark Zuckerberg, and. तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि 100 मोस्ट इन्फ्लुएंसर पर्सन में कैटेगरी में आने के लिए क्या-क्या क्राइटेरिया होना चाहिए और इसका वोटिंग प्रोसेस क्या है। वोटिंग की बात करें तो 1.2 मिलियन वोटिंग किया गया था, जिसमें से 4% ऑफ टोटल वोट एसआरके को मिले, जो कि अराउंड 48,000 वोट्स होते हैं, ऑफ कोर्स जो कि हाईएस्ट है। एंड द इंडियन एक्टर हैज टॉप्ड द लिस्ट एंड रिसीव्ड 4% ऑफ द टोटल 1.2 मिलियन वोट्स। वोटिंग की प्रोसेस की बात करें तो जो 100 मोस्ट इन्फ्लुएंसर पर्सन का लिस्ट होता है वो टाइम्स के एडिटर के द्वारा किया जाता है, जो कि टाइम 100 ओल्ड स्टूडेंट और मैगजीन इंटरनेशनल राइटिंग स्टाफ से नामांकन आते हैं। जब 100 लोगों की लिस्ट तैयार हो जाती है, एक रीडर्स पोल की आयोजित किया जाता है, जो जनता के द्वारा वोटिंग प्रोसेस से चुना जाता है। तो इसी तरह से दोस्तों इसका वोटिंग का जो प्रोसेस है वो किया जाता है। अगर 2022 की विनर की बात करें तो जेलेंस्की, आपको मालूम होगा यूक्रेन के प्रेसिडेंट है। अगर 2021 की विनर की बात करें तो एलोन मस्क, जो कि स्पेस एक्स और टेस्ला के सीईओ है। अगर क्राइटेरिया की बात करें तो जिनकी विचार, उदाहरण, प्रतिभा, खोज उस दुनिया को बदल देती है जिस दुनिया में हम रहते हैं, वो इंसान इनमें से किसी भी सेक्शन के हो सकते हैं, बिजनेसमैन, पॉलिटिक्स, साइंस, स्पोर्ट। दोस्तों हमें प्राउड है कि वर्ल्ड के मोस्ट 100 में से नंबर 1 हमारे हिंदुस्तान से है। सो इसके लिए कुडोस टू एसआरके एंड कुडोस टू हिंदुस्तान। सेकंड प्लेस की बात करें तो ईरानियन वुमेन मसा अमीनी, जो ईरानियन पुलिस के द्वारा मार दी गई थी। वजह बस इतना थी कि उन्होंने हेड स्क्राफ को थोड़ा ढीला पहनी थी, जिसके बाद कई सारी ईरानियन वुमेन ने प्रोटेस्ट की थी अगेंस्ट गवर्नमेंट। नंबर 2 पे उन्हीं महिलाओं को रखा गया है। अगर वोटिंग की बात करें तो 3% ऑफ टोटल वोट। थर्ड प्लेस की बात करें तो हेल्थ केयर वर्कर, जो पेंडेमिक के टाइम काफ़ी मदद की थी। वोटिंग की बात करें तो 2% ऑफ टोटल वोट। वहीं फोर्थ प्लेस में प्रिंस हैरी एंड मेगन फॉर ड्यूक एंड डचेस सक्सेस, वोट 1.9% ऑफ टोटल वोट। फिफ्थ प्लेस की बात करें तो लियोनेल मेसी, जिसका वोटिंग की बात करें तो 1.8% ऑफ टोटल वोट। आपको बता दें शाहरुख से पहले कई सारे इंडियन आ चुके हैं, आयुष्मान खुराना, नरेंद्र मोदी, इंडियन ओरिजिन से सुंदर पिचाई, प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता और बालकिस दादी, जो CAA के टाइम दिल्ली में कई दिनों तक प्रोटेस्ट की थी। अगर आप भी इस लिस्ट में आना चाहते हैं तो अच्छा काम जरूर करें और वीडियो को लाइक करके इसकी शुरुआत अभी से करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।